महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों लगातार ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को अलग अलग तरह की सौगातें देने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। जहां ग्वालियर में जब महाराज सिंधिया से पत्रकारों ने विकास को लेकर सवाल किया तो महाराज सिंधिया ने अनेक योजनाओं के साथ ग्वालियर के पुराने वैभव और संस्कृति को दोबारा हासिल करने का लक्ष्य बताया। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्टिव अंदाज, ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को मिल रही सौगात, पुरानी वैभव और संस्कृति हासिल करने का लक्ष्य। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर अब विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। जहां अलग अलग योजनाओं के साथ ही ग्वालियर का विकास रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं ग्वालियर के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संवेदनशील नजर आते हैं। जहां वे लगातार ग्वालियर का विकास तेजी के साथ किया जाए इसे लेकर प्रयासरत रहते हैं, वहीं ग्वालियर में जब महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पत्रकारों ने विकास को लेकर सवाल किया तो महाराज सिंधिया ने अनेक योजनाओं के साथ ग्वालियर के पुराने वैभव और संस्कृति को दोबारा हासिल करने का लक्ष्य बताया। नया टर्मिनल बिल्डिंग की भूमि पूजन करने के लिए देश के कोने कोने से आज ग्वालियर नागर विमानन के साथ जुड़ रहा है। एयरबस का विमान दिल्ली के साथ हमको जोड़ रहा है। इसी के साथ आने वाले दिनों में ग्वालियर को पेयजल की समस्या के साथ भी हम निजात देने के लिए एक बहुत भव्य योजना मुख्यमंत्री जी के साथ लागू करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की योजना है। तो अनेक योजनाओं के साथ ग्वालियर को अपनी पुरानी वैभव, अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी पुरानी क्षमता को दोबारा हम लोग हासिल कर पाएं, ये हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में ग्वालियर को मिलने जा रहे नए एयर टर्मिनल की सौगात को लेकर महाराज सिंधिया ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है गृह मंत्री जी के यहाँ से, उस कार्यक्रम का पालन होगा। एयरपोर्ट का भूमि पूजन है, मेला ग्राउंड में सभा है, संग्रहालय में एक गैलरी का की शुरुआत है, लोकार्पण है। और मुझे विश्वास है कि जो सौगात गृह मंत्री जी ग्वालियर को देने जा रहे हैं नए टर्मिनल बिल्डिंग के रूप में, उससे ग्वालियर की विकास नई ऊंचाइयों को छुएगी। हमारी कोशिश है, ग्वालियर दिल्ली से इतना समीप है, एक नया मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली के समीप, जो मेरे पूज्य पिताजी का भी सपना था, काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में उसे भव्य रूप हमें देना होगा। और ये विश्वास मैं आपके द्वारा हमारे क्षेत्र के समस्त जनवासियों को देना चाहता हूँ कि एक अभियान के रूप में, एक पारिवारिक भावना के साथ ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के साथ मिलकर ग्वालियर के विकास और प्रगति को एक चौमुखी शिखर तक पहुँचाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब नेतागण मिलकर करेंगे, ये विश्वास में दिलाना। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों लगातार ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को अलग अलग तरह की सौगातें देने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज ग्वालियर।